हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्राजक्ता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में ऑफिस प्रो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड जी सूट से रिलेटेड इन डेप्थ नॉलेज टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप सभी से आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद अवर टुडे सेशन, बेसिक फॉर्मूला ऑफ एक्सेल। एक्सेल में फॉर्मूला एंटर करने से पहले आपको एक्सेल के दो गोल्डन रूल पता होने बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, एक्सेल में कभी भी फॉर्मूला एंटर करने से पहले इज इक्वल टू का सिंबल एंटर करना पड़ता है। सेकंड गोल्डन रूल है डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव सेल्स एंड एब्सोल्यूट सेल्स। दोस्तों, हमने इंट्रोडक्शन टू एक्सेल के वीडियो में देखा था सेल्स फॉर्मेशन कैसे होता है। मैं आपको फर्स्ट रिलेटिव सेल्स क्या होता है वो समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे ये सेल में वैल्यू मेरे G3 सेल के वैल्यू के बराबर होने चाहिए। मतलब यहाँ पर G3 सेल में जो भी डेटा एंटर्ड है वो मेरे D3 सेल्स में रिफ्लेक्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ इक्वल टू G3। आप स्क्रीन पर देख सकते हो मेरे ये सेल में G3 सेल के बराबर फॉर्मूला अप्लाई हो गया है एंड फॉर्मूला बार में भी जो फॉर्मूला एंटर्ड है वहाँ पर इक्वल टू G3 शो हो रहा है। अभी ये फॉर्मूला को मैं रोज में ट्रैक करती हूँ। आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, जैसे ही मैंने रोज को ड्रैग किया एक्सेल ने स्मार्टली एक एक रो नीचे मूव किया है और वहाँ पर सेल एड्रेस चेंज हो रहा है। इसे हम रिलेटिव सेल्स कहेंगे, यानी आफ्टर कॉपी पेस्ट और ड्रैगिंग एक्सेल ऑटोमेटिकली रिलेटिव सेल्स का रेफरेंस लेता है। ये सिनेरियो में एक्सेल ने एक एक रो इंक्रीज किया है, जैसे G3 से G4। अभी मैं फिर से इज इक्वल टू G3 फॉर्मूला एंटर करती हूँ एंड ये टाइम मैं रोज में ट्रैक करने के बजाय कॉलम्स में ट्रैक करती हूँ। अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे राइट हैंड साइड यानी कॉलम में ट्रैक्स करते ही मेरे G3 सेल के राइट हैंड साइड में जितने भी डेटा था वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। एक्सेल ने कॉलम्स में डेटा ड्रैग करने के बाद मेरे राइट हैंड साइड कॉलम्स में था वो यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंस सेल अप्लाई कर दिया है। अगर मैं ये सेल को नीचे यानी रोज में ड्रैग करती हूँ एंड सेम रो को मैं राइट हैंड साइड में ड्रैग करती हूँ तो एक्सेल मेरे G4 सेल में जो डेटा था वो कैप्चर हो गया है। H, I, J कॉलम का डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मुझे कोई सेल को फ्रीज करना है तो उसके लिए मैं ये सेल में इज इक्वल टू G3 फिर से एंटर करती हूँ एंड ये टाइम मैं कॉलम के आगे यानी जी वर्ड के आगे डॉलर का सिंबल एंड रो के आगे यानी 3 के आगे मैं एक डॉलर का सिंबल एंटर करती हूँ। अभी मैं अगर ये सेल को रोज में ट्रैक करूँ या फिर कॉलम में ट्रैक करूँ, एक्सेल ने मेरे ये सेल को फ्रीज कर दिया है। आप फॉर्मूला बार में देख सकते हो सबका वैल्यू G3 ही है। एक्सेल ने मेरे डॉलर साइन के वजह से ये सेल को फ्रीज कर दिया है। अगर आपको कोई फॉर्मूला में सिर्फ कॉलम को फ्रीज रखना है तो उसके लिए हम ये एग्जांपल देखते हैं। मैं ये सेल में इज इक्वल टू G3 फॉर्मूला एंटर करती हूँ एंड ये टाइम मैं कॉलम यानी G के आगे एक डॉलर का सिंबल एंटर करती हूँ। अभी अगर मैं ये फॉर्मूला को रोज में एंटर करती हूँ तो आप देख सकते हो रोज बाय इंक्रीमेंट 1 डेटा चेंज हो रहा है, यानी G3 से G4 में चेंज हो रहा है। बट अगर मैं ये फॉर्मूला को राइट हैंड साइड यानी कॉलम में ट्रैक करती हूँ
तो मेरे कॉलम्स फ्रीज हो चुके हैं। कॉलम जी पर, अगर मुझे अभी इसके अपोजिट वर्क करना है, यानी मुझे कॉलम फ्री रख के रोज को फ्रीज करना है, तो उसके लिए मैं फिर से इज इक्वल टू G3 फॉर्मूला एंटर करती हूँ एंड ये टाइम मैं रो यानी कि 3 के आगे डॉलर का सिंबल एंटर करती हूँ। अभी मैं अगर ये सेल को नीचे ट्रैक करती हूँ रोज में, तो आप देख सकते हैं मेरा रोज फ्रीज हो गया है रो नंबर 3 पर। अगर सेम वे मैं ये फॉर्मूला को राइट हैंड साइड ड्रैग करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कॉलम 1 by 1 इंक्रीज हो जा रहा है, जैसे कि HIJ। ये आफ्टर ड्रैगिंग भी रो 3 ही काउंट कर रहा है। यह है डिफरेंस बिटवीन एक्टिव सेल्स एंड रिलेटिव सेल्स। इस तरह आप कॉलम या रोज के आगे डॉलर का सिंबल अप्लाई करके रोज या कॉलम को अपने रिक्वायरमेंट अनुसार फ्रीज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने मेरे लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि अगर आप आपकी क्वांटिटी शो करवा के फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच इट। ये एग्जांपल में मुझे इस क्वांटिटी का सम करना है, तो उसके लिए मैं ये फॉर्मूला एंटर करूँगी। पहले मैं इज इक्वल टू का सिंबल एंटर करूँगी, उसके बाद SUM सम लिख के ब्रैकेट ओपन करती हूँ। अभी मैंने ये क्वांटिटी का डेटा रेंज सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ। इसी वजह से मैं प्राइस का भी सम निकालती हूँ। मैंने फिर से इज इक्वल टू एंटर करके SUM सम टाइप करके ब्रैकेट ओपन किया। अभी मैं ये प्राइस रेंज सिलेक्ट करती हूँ एंड ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ। आप देख सकते हैं एक्सेल ने मेरे स्क्रीन पर सम कैलकुलेट कर दिया है। अगर आपका डेटा छोटा है तो आप ये वजह से भी सम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके लिए मैं फिर से इज इक्वल टू एंटर करती हूँ, SUM सम लिख के मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अभी मैं ये सेल को सिलेक्ट करती हूँ और उसके बाद प्लस सिंबल एंटर करती हूँ और उसके बाद मैं मेरा दूसरा सेल सिलेक्ट करती हूँ एंड ये ब्रैकेट को क्लोज कर देती हूँ। आप देख सकते हो एक्सेल ने सम कैलकुलेट कर दिया है। सम कैलकुलेट करने का और एक मेथड है, उसके लिए मैं फिर से इज इक्वल टू एंटर करती हूँ, SUM सम लिख के ब्रैकेट ओपन करती हूँ एंड ये टाइम मैं फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करती हूँ, उसके बाद कॉमा देके दूसरे सेल को सिलेक्ट करती हूँ। ये है डिफरेंट वेज टू कैलकुलेशन ऑफ सम। अभी हम सीखेंगे एवरेज फॉर्मूला। उसके लिए मैं फिर से इज इक्वल टू एंटर करती हूँ, एवरेज लिख के ब्रैकेट ओपन करती हूँ एंड मेरी रिक्वायर्ड डेटा रेंज सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ। इंट्रोडक्शन टू एक्सेल के वीडियो में हमने ये भी सीखा था कि एक्सेल विदाउट एनी फॉर्मूला एंटर किए स्टेटस बार में उसका काउंट, एवरेज एंड सम टेल्स स्टेटस बार में शो करता है। सेम वे अभी मैं प्राइस का एवरेज कैलकुलेट करती हूँ, उसके लिए मैं फिर से इज इक्वल टू एंटर करके एवरेज एंटर करती हूँ और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करती हूँ एंड ये मैं प्राइस का डेटा रेंज सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ। मैं आपको एवरेज कैलकुलेशन का और एक दूसरा मेथड बताती हूँ। उसके लिए हमको इक्वल टू एवरेज एंटर करके ब्रैकेट ओपन करना होगा और उसके बाद अपने डिजायर सेल सिलेक्ट करके उसके बाद कॉमा लगा के दूसरा सेल सिलेक्ट करना होगा और मैं अभी ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ। आप देख सकते हैं एक्सेल ने एवरेज कैलकुलेशन कर दिया है। ये एग्जांपल में मैंने कुछ स्टूडेंट का डेटा लिया हुआ है। यहाँ पर उनका रोल आईडी, नाम, सब्जेक्ट्स के मार्क लिखे हुए हैं। मुझे ये एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स का सम और एवरेज कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इक्वल टू सम लिख के ब्रैकेट ओपन करती हूँ, सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स है उसका डेटा रेंज सिलेक्ट करती हूँ एंड ब्रैकेट क्लोज करके
एंटर करती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट के सब्जेक्ट टोटल कैलकुलेट हो चुका है। अभी मैं ये रोल नंबर 002 का सम कैलकुलेशन दूसरे मेथड से करती हूँ। यहाँ पर मैं इक्वल टू SUM सम लिख के ब्रैकेट ओपन करती हूँ। अभी मैं हिंदी के मार्क्स प्लस मराठी के मार्क्स प्लस इंग्लिश के मार्क्स का सेल सिलेक्ट किया है। अभी मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करती हूँ तो एक्सेल ने यहाँ पर सम कैलकुलेट कर दिया है। अभी मैं थर्ड मेथड से सम कैलकुलेशन करती हूँ रोल नंबर 003 के लिए। के लिए इक्वल टू सम एंटर करके ब्रैकेट ओपन करती हूँ। उसके बाद हिंदी के मार्क्स कॉमा मराठी के मार्क्स कॉमा इंग्लिश का मार्क्स का सेल मैंने सिलेक्ट कर दिया है और अभी मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करती हूँ तो एक्सेल ने सम का कैलकुलेशन कर दिया है। अभी ये मेरे पास थोड़ा सैंपल डेटा था। अगर आपके पास बड़ा डेटा है तो उसके लिए आप हर एक सेल में फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं अभी ये फॉर्मूला को रिमूव करती हूँ और जो मैंने फर्स्ट सेल में फॉर्मूला एंटर किया था उसको ही नीचे यानी रोज में ट्रैक करती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है क्योंकि हमने डेटा रेंज में रिलेटिव सेल्स का रेफरेंस दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेल ने डेटा रेंज सिलेक्ट करते वक्त रोज एंड कॉलम्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया है। सेम वे मैं अभी स्टूडेंट्स के मार्क का एवरेज कैलकुलेट करती हूँ। उसके लिए मैं इज इक्वल टू एवरेज लिख के ब्रैकेट ओपन करती हूँ एंड सब्जेक्ट्स के मार्क्स का रेंज सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ एंड मैं अभी यही सेल को नीचे ड्रैग करती हूँ। आप देख सकते हैं एक्सेल में सभी स्टूडेंट्स के लिए एवरेज कैलकुलेशन हो चुका है। मुझे यहाँ पर जो एवरेज दिख रहे हैं वो डेसिमल में शो नहीं करवाने हैं तो उसके लिए मैं डिक्रीज डेसिमल ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ डेसिमल डिक्रीज करती हूँ। मैंने लास्ट वीडियोस में पूरा नंबर फॉर्मेटिंग विथ एग्जाम्पल सिखाया था। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। सो फ्रेंड्स, ये थे डिफरेंट वेज टू कैलकुलेशन ऑफ सम एंड एवरेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।